एक लैला समृद्ध भारत, ये मेरा भोजपुरी एक्सपी समृद्ध भारत। एक छैला छह लैला, क्या कहना चाहेंगे मैम? ये छैला से पूछिए कि छह लैलाएं क्या कर रही हैं। चलिए पहले आप ही बताइए। जैसे कि टाइटल है एक छैला और छह लैला, ये रजनीश जी का कॉन्सेप्ट है। और जब हम पहली बार इस पर बैठे डिस्कशन पे, तो स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी है। जैसे कि ये होता है भोजपुरी इस टाइप से है नहीं है, ये एक साफ सुथरी भोजपुरी टाइप का है नहीं। भोजपुरी में फिल्में मैंने बहुत की, बहुत साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं। जैसे कि बनती है ना, तो बहुत लोग ऐसा बुराई करते हैं कि भोजपुरी को लेके ऐसे ऐसे नहीं, बहुत अच्छी ऐसी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। मैं मैडम पहले आप लोग डिसाइड कर ले कि फिल्म भोजपुरी है या फिर हिंदी। अच्छा राजू, सबसे पहले मुझे ये बता तुम्हारा खड़ा क्यों है बाल? सर ये साथ में लड़की जो खड़ी है उसको देख के हो सकता है। अच्छा हाँ, नहीं मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। जो लोग कहते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, ये सच्चाई है, इसको हम छुपा नहीं सकते। और कितना हम, मैं ये नहीं कहता कि हम गंदा काम करते हैं। मैं खुद बिहार का हूँ, मुझे गर्व होता है कि मैं बिहारी हूँ, छपरा से हूँ, है ना। और भोजपुरी मूवी मेरी माता की भाषा है, तो मैं खुद भोजपुरी फिल्म, पहली भोजपुरी मूवी कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट हिंदी कर रहा हूँ। हीरोइन फर्स्ट पटना की है, हीरो छपरा का है। हाँ जी हाँ, छपरा से पटना तक। हाँ छपरा वाला ले जाए दुल्हनिया पटना के। हाँ जी हाँ। तो बाकी आप पूछ रहे थे एक छैला छैला के बारे में, तो इसके जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो प्रियंदर सिंह जी हैं, इसको डायरेक्ट हमारे रजनीश जी कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एक रीजन के साथ, एक मैसेज के साथ, एक एंटरटेनमेंट के साथ कोशिश है बनाने की। बाकी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा मूवी देख के। बगल में सोनालिका प्रसाद जी हैं, किस तरीके का केमिस्ट्री देखने को मिलेगा? केमिस्ट्री देखते हैं, अच्छी कही केमिस्ट्री है हमारी। तो देखिए जैसा कि है, इन्होंने भोजपुरी को लेकर के पता नहीं कितनी स्टडी की है पता नहीं, लेकिन मैंने 13 फिल्में की हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर अब फिल्में बन रही हैं। और जैसे कि उन्होंने छह लैला उन्होंने डिसाइड किया अपने फिल्म में, लेकिन इनको भी पता है कि इनकी ये एक लैला उनकी बाकी के पांचों लैला पर बहुत भारी पड़ने वाली है। फिल्म के बात करें कि राजीव जी के साथ, तो किस तरीके का टाइम बॉम्ब देखने को मिलेगा, जो केमिस्ट्री होने वाली है आपके? टाइम बम तो क्या बोलोगे, जब आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा। कॉमेडी बहुत ज़्यादा है इस फिल्मों में, और जैसा कि ये एक जो छैला है तो पांच छह लैला को संभालना इतना आसान काम नहीं है, तो इनकी बहुत बैंड बजने वाली, लिटरली इनकी बहुत बैंड बजने वाली है। और गाना जो है मधुकर आनंद जी ने म्यूजिक दिया है, और मैं उनको बहुत ही फैसिनेट करती हूँ मधुकर आनंद जी को, तो मैं खुश हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से मैं मधुकर आनंद जी के गाने पे थिरक रही हूँ। और अभी एक गाना मैंने शूट किया, बहुत ही प्यारा गाना है, और ये सीक्वेंस पर है, सिर्फ एक लाइन गुनगुनाऊंगी। प्यार करे अगर पाप हो, पाप रवा करे, ये एक लाइन बहुत ही बहुत अच्छा गाना लगा। अच्छा गायक है आप। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा आने वाला आपका? नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा आने वाला मार्केट में आपका? मार्केट में एज ए सिंगर, एज ए सिंगर, क्योंकि आपका जो हीरो है काफी उस हीरो साथ फिल्म किया है जी। उनके भी एक हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है एज ए सिंगर, पिंजरे वाली मुनिया। सबसे पहले तो उनको बधाई, और काफी अच्छा गाया है उन्होंने, और वीडियो उनका लकी है इस गम में कि ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ आया। जब मेरा उनके साथ गाना आया था जिंदगी झंडबा फिर भी घमंड बा, जो कि रवि किशन जी का मोस्ट टैगलाइन है ये, लेकिन उसका हम लोगों ने ऑडियो शूट किया था, मतलब गाना हो चुका था ऑलरेडी कोविड से पहले। अब कोविड बीच में आ गया तो वीडियो हम लोग सॉन्ग शूट नहीं कर पाए, और जिस दिन ये गाना शूट हो रहा था पिंजरे वाली मुनिया, मैं हैदराबाद में थी तब, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया, बट इट्स ओके, मुझको बहुत ही अच्छा लगा। और ये आई गेस मैं जब से पटना में पली बड़ी हूँ ये गाना मैं हमेशा सुन रही हूँ। तो कहत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, तो ऑल द बेस्ट राजू, मुसाफिर मोहलिया रे विमेंस कॉलेज वाली लड़की है। तो पटना विमेंस कॉलेज की कुछ यादें हैं? बस बहुत बहुत सारी यादें हैं, मैं जब से विमेंस कॉलेज में पहुंची तो मेरा स्कूल का पढ़ाई हमेशा 9 से 11 तक फिक्स रहता था, और उसके बाद सिर्फ एक्टिविटीज में रहती थी,
और सब मुझको अरे वो पीटीएन वाली लड़की, अरे वो दूरदर्शन वाली लड़की, क्योंकि मैं यही काम ही करते रहती थी, कभी शांत नहीं बैठी। कुछ देर पहले राजू से चर्चा हो रही थी तो बोला कि मैं भी वीमेंस कॉलेज पास लाइन मारने जाता था लड़कियों को। अच्छा, अच्छा। तो उसमें आप भी थी लेकिन कभी बोल नहीं पाए। कौन से साल में गए वो डिपेंड करता है ना, मैं तो साल 2013 में मुंबई आई। कौन से साल में अभी तो याद नहीं है इसको, लेकिन बोल रहा था मैं लाइन मारने जाता था लेकिन पटी नहीं। अब सिनेमा में देखो मैंने पटा गया। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए पटी नहीं तो इन्होंने पांच लालाओं का सहारा भी लिया है, मुझको यही लगता है। राजू इतनी तुम्हारी बदनामी हो रही है, कुछ कहोगे? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अरे इनकी बहुत बैंड बजने वाली, मैं सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि एक तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है प्रियेंद्र सिंह, तो उनका नाम मुझको काफी फैमिलियर होता है प्रियदर्शन जी से, और उनकी फिल्मों में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, तो किसी भी एक्टर्स के रोल को हम लोग छोटा नहीं देख सकते, सबका अपनी एक अहम भूमिका रहती है। तो ठीक उसी तरीके से इस फिल्म में है, जितनी भी नई लड़कियां आई हैं, सबसे पहले ऑल द बेस्ट उनको कि उनको ये फिल्म करने का मौका मिला, और उन सबके किरदार इस फिल्म में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें से एक हाइप जरूर होती है जिसकी वजह से मुझको चुना गया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस? मुझको एक्शन बहुत पसंद है, मुझको कैटरीना कैफ बहुत ही फैसिनेट करती है, जब वो एक था टाइगर या टाइगर जिंदा में करती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा मार्शल आर्ट का सीखना जरूरी है। मैंने 2018 में मार्शल आर्ट सीखा था और लिगामेंट मुझको हो गया, उसके बाद से सिर्फ अभी मुझको डांस करना बहुत पसंद है, गाना गाना बहुत पसंद है और एक्टिंग करना बहुत पसंद। आप फिफ्थ फ्लोर पे खड़ी हैं, यहाँ से नीचे छलांग मारा जाए तो मुझको संजय भूषण जी बचा लेंगे। हीरो लेकिन यहाँ पर पीआरओ बचा लेंगे ना, क्योंकि अगर मैं मर गई तो फिर उनका क्या होगा। इस वक्त गुड़गांव में है, कैसा लगा लोकेशन जरा बता दो? बहुत अच्छा। सबसे पहले यहाँ देखने की ये जो है वो पूरब की तरफ मुंह है, तो मुझको यहाँ पे सूर्योदय देखने का मौका मिलता है, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और यहाँ का सेट का सबसे बेस्ट ये है कि रूम इतने अच्छे हैं, रहने में मजा आ रहा है, और खाना, माय गॉड, थैंक यू शेफ, बहुत अच्छा खाना वो बनाते हैं, और अच्छे शेफ को इस प्रोडक्शन हाउस ने लिया हुआ है, तो सबके हिसाब से खाना बनता है, तो मैं यहाँ के खाने और यहाँ के जो लोकेशन है वो नहीं भूल सकती, और यहाँ के ट्रीटमेंट को नहीं भूल सकती, जो हर एक एक्टर चाहता है, स्पेशली जब आप शूट करें तो ये एक प्लस पॉइंट, सरप्लस पॉइंट है यहाँ का। फिल्म में खलनायक ब्रजेश त्रिपाठी और उमेश जी भी हैं साथ में आपके? जी जी, ब्रजेश त्रिपाठी जी के साथ मैंने काम किया, इज वेरी सीनियर एक्टर, लैला मजनू में वो मेरे चाचा बने थे मेरे और अक्षरा जी के, तो उनके साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मैं खुश हूँ। काफी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि साथ में फिल्में करें, तो वाया दिस फिल्म एक छाला और छह लैला के जरिए उनके साथ काम करने का मौका मिला। और जो अभी विलेन के बारे में बात आप कर रहे हैं, तो उनके साथ मेरा ये पहला जो होगा वो कैमरा रोल होगा, तो देखते हैं कि उनके साथ कैसी केमिस्ट्री बनती है। राजवी, और कौन से कलाकार इस फिल्म से जुड़े हैं, सबका नाम बताएं? इस फिल्म में जैसे कि आपने बताया ब्रजेश जी हैं और उमेश सिंह जी हैं और साथ में सोनालिका है और एक जोया खान है और शिवानी, मैं भूल जाता हूँ, छह लैला होगा, मतलब सब अच्छे कलाकार हैं, सब मिलनसार हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं और मजा आ रहा है काम करके। रजनीश त्यागी जी के साथ काम करके कैसा लगा फर्स्ट बार आपको? रजनीश सर के साथ तो डायरेक्टर बाद में है, मेरे से घर वाली वो मतलब रिलेशन है ऐसा, हम लोग 10 ईयर्स से साथ में हैं, तो बाकी काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके डायरेक्शन में। और सोनालिका जी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? सोनालिका जी के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं बॉम हूँ यहाँ पर, मैं एज अ सीनियर एक्टर तो इनकी मैं बहुत लाइक पोलिंग करती हूँ, दो ही से अभी न्यू एक्टर, तो कई चीजें होती हैं कि जब नए को जब आप थोड़ा बहुत ऑन सीन अगर समझाने की कोशिश करते हो तो सीनियरिटी और जूनियरिटी थोड़ी सी आती है सामने, बट वो लेग पोलिंग करने में बहुत मजा आता है क्योंकि ऐसा मौका मुझको बहुत कम मिलता है। राजीव की दो बुरी और दो अच्छी बातें बताएं। अरे बहुत एक्सक्यूज देते हैं, ये सबसे बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है, एक्सक्यूज बहुत देते हैं। और दो आपने बोला, दूसरा ये है कि उनको बस अपनी बातें बोलना होता है, सामने वाला क्या बोल रहा कोई मतलब नहीं होता, बस अपनी बातें बोलना होता है। अच्छी बात ये है कि सिचुएशन कुछ भी हो वो बस मुस्कुराते रहते हैं। एंड दूसरी बात ये कि फिल्म से रिलेटेड उनकी सोच हमेशा रहती है कि नहीं सीन्स को या फिर डांस को या कोई भी सीक्वेंस को बेटर कैसे बनाया जाए, तो ये चीजें इनकी अच्छी है। दर्शकों को बात और कहना चाहूंगा, जूनियर और सीनियर, तो जैसे कि सोनालिका जी ने कहा, तो मैं कहीं पढ़ा था कि दो दिए होते हैं, एक जलते हुए एक बुझे हुए, तो अब जैसे कि हम बुझे हुए दिए हैं, ये सोनालिका जी हैं उज्जवल, तो बस ऐसा है कि बुझे हुए दिए को बस एक बार मिल जाए जलते हुए दिए से तो फिर दोनों जगमगा उठते हैं, एक तो जगमगा ही रहा है, तो यही बस है। नहीं बुझा हुआ दिया नहीं, बुझा हुआ होता है कि जो जल के बुझ जाता है, ये नया दिया है, नया तो दिया, नया दिया को प्रज्वलित करना। हाँ, बुझा हुआ तो दिया वो होता है जब आप जल गए और बुझ गए, चलो आप वैसे मान लो बाती में तो, अच्छा से घी नहीं लगा तेल थोड़ा
दिवाली आने वाला हाँ, लगा तो बस दिवाली आने वाली है और ये दिया जलने वाला है, बाकी देखते हैं आप लोग का आशीर्वाद। हम लोग का इंटरव्यू में पूरा कॉमेडी हुआ, जिस तरह से कॉमेडी फिल्म है आपकी, दर्शकों से कुछ कहेंगे दोनों आप लोग? फिल्म ना देखे इसके लिए कुछ कहेंगे? दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि हम बहुत मेहनत करके इस लॉकडाउन के बाद में और ये COVID-19 में इतना प्रिकॉशन लेके बड़े मेहनत से ये मूवी बना रहे हैं और सब टेंशन में ही रहते हैं, डायरेक्टर साहब देखो अभी पीछे से आवाज आ रही है, तो आप लोग कृपया करके हमें सपोर्ट करें और आप जरूर फिल्म देखने जाएं और सोनालिका जी की भी बहुत सारी मूवी आ रही है, उनको भी सपोर्ट करें मेरे तरफ से। यही कहना चाहेंगे ये देखिए ये मैं कह रही हूँ सीनियर और जूनियर का, यही तो होता है ना, सपोर्ट। चलो आइए सर, बहुत आपने सपोर्ट किया मुझे।